got a feeling incomplete in my heart. Don't wanna go it alone, girl. We can never be apart. We can never be apart. You make me feel complete, cause you're a piece in my heart. You're the one for me, I knew it right from the start, yeah. We can never be apart. अपनी रंग माए बिन मेरे रंग में घुल जाओ, अपने रंग माए बिन मेरे रंग में घुल जाओ, अपनी धूप बुझाए बिन मेरे छाँव में आ जाओ, चलो can I have one portion of fried eggs, please? Sure, ma'am. Make that two, please. Ek mere liye bhi. Can you make that with egg whites only, please? Sure, ma'am. Thanks. Mere liye bhi egg whites mein hi banayega. Right, sir. Can you make that crispy as well, please? Main wahan baithi hoon. Sure, ma'am. Aapko bhi crispy pasand hoga. Aapko kaise pata? Yui. गेस किया। ओह। वो वहाँ बैठी है। थैंक्स। मैं भी वहीं बैठा हूँ। जब लड़का अंडे ज्यादा खाने लगे तो इसका मतलब उसे उस मुर्गी से प्यार हो गया है जो अंडे देती है, या उस लड़की से जो अंडे लेती है। कौन है वो? कौन? लड़की? नहीं, मैं मुर्गी की बात कर रहा हूं। डैड, हाउ कैन आई बी इन लव विद सम मुर्गी? थैंक यू बेटा, वरना मैं चूजों का दादा होता। डैड, आप भी ना, एनीथिंग। वरिशी, वो
आपके पीछे। डैड, 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 क्या कर रहे हो? वो देख रही है। अरे कम ऑन डैड, डैड प्लीज। इलावा? डोंट नो डैड, बट या मुझे बहुत अच्छी लगती है। यू नो डैड, द मोमेंट आई सॉ हर आई न्यू शी इज द वन। आई थिंक आई एम इन लव। तो जाके कह दे I love you. It's not that easy, Dad. ऐसे कैसे बोल दूं जाके? सही मौका आने पर बोल दूंगा। सही मौके का वेट करेगा ना? तो कोई और चौका मार देगा और तू थर्ड अंपायर बना देखते रह जाएगा। तेरी जगह मैं होता तो इस वक्त अपने बाप के साथ नहीं, उस लड़की के साथ अंडे खा रहा होता। Skip it, Dad. जाने दो ना। तुझे अपने बाप पे यकीन नहीं? मैं अभी उस लड़की नो, अरे उसे नहीं। तो ठीक है, इस रेस्टोरेंट में बैठे किसी भी लड़की को पटा सकता हूं। रियली? ओके। वो कैसी रहेगी? कोई यंग नहीं मिली तुझे? आपके लिए यही मुश्किल होगी डैड। ठीक है बेटा, मैं इसे पटाता हूँ और तू उसे पटा, और अगर तूने उसे पटा लिया तो मैं तुझे डैड कहूँगा, और अगर आप उन्हें नहीं पटा पाए तो तू मुझे डैड कहना। ओके। मेरी फेवरेट किताब है। हाय, मैंने आज सुबह ही खत्म की। मैंने आज सुबह ही शुरू की है। सच अ कोइंसिडेंस। आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती है? डू आई नो यू? क्या हम पहले मिले हैं? हाँ। कहाँ? कभी? यहाँ, अभी। इतने बड़े रेस्टोरेंट में आपको यही टेबल पसंद आया? देखा, मैंने कहा ना हमारी पसंद कितनी मिलती है। एक्सक्यूज मी, यू नो समथिंग, जब बचपन में एक बार मैं छोटा था तो एक लड़की थी जिसके साथ मुझे बैठना बातें करना अच्छा लगता था। वो लड़की मेरे साथ रहे इसलिए मैं हमेशा अपने पास दो टॉफी रखता था। जब वो जाने लगती तो मैं कहता टॉफी, वन फॉर यू वन फॉर मी। क्या हम थोड़ी? मुझे टॉफी पसंद नहीं है। कॉफी, वन फॉर यू वन फॉर मी। क्या हम थोड़ी देर? हेलो मैम, यू नीड सम हेल्प? ये बुड्ढा कहीं आपको छेड़ तो नहीं रहा? ये आपके पिताजी हैं। No thanks, I'm fine. मुझे चाय पसंद है। आई। Excuse me, tea for two, please. Actually, मुझे भी चाय पसंद है। तो फिर कॉफी क्यों कहा? वो कॉफी के साथ टॉफी सुनने में अच्छा लगता है। It rhymes, you see. क्यों लगता है मुझे कि आपको भी व्हाइट पसंद होगा? प्लीज। आपको नहीं लगता फूल देकर फूल बनाने का तरीका पुराना हो गया? पर कुछ चीजें पुरानी होकर और भी खूबसूरत हो जाती हैं, जैसे कि गुलाब, शराब और आप। I'm flattered, लेकिन ये तरीका भी पुराना है। आप यकीन करती हैं? किस बात पर? लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन करती हैं? शायद जो कहते हैं वो भी यकीन नहीं करते, क्योंकि पहली नजर में प्यार होता ही नहीं। तो फिर क्यों याद रहता है होठों का वो पहला स्पर्श?
क्यों नहीं भूलता वो पहला ख्वाब? चैप्टर है क्यों धरती को बारिश की? एक्सक्यूज मी, कम अगेन। मेरे दिमाग में कुछ नहीं। दिमाग से नहीं, दिल से, क्योंकि प्यार दिल से होता है और दिल वही करता है जो आत्मा कहती है। यह आत्मा हमेशा अपने साथी को पहचान लेती है। That's why they call them soulmates, because soul recognizes the soul, और दिमाग को पता भी नहीं चलता। और जो चीज दिमाग को समझ में नहीं आती है, उसे साइंस से जस्टिफाई किया जाता है, जैसे कि लव लस्ट और कुछ नहीं, हमारे अंदर के होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे एस्ट्रोजन, डोपामाइन, सेरोटोनिन। ये सुनने में इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो हो कैसे सकता है? आपको एक कहानी सुनाता हूं। आपको कभी पहली नजर में प्यार हुआ है? अभी कुछ देर पहले। आप कहानी से भटक रहे हो। जब सच्चाई इतनी सुहानी हो तो कहानी कहां याद रहती है? मुझे लगता है आपकी कहानी कुछ ज्यादा ही लंबी है। प्लीज प्लीज शुरू करता हूं। कहानी शुरू होती है शुरू से। यू नो समथिंग, कुछ नजारे ऐसे होते हैं कि नजर नहीं हटती। ऐसा ही था वो नजारा। दूर दूर तक फैला नीला समुंदर और समुंदर के बीच सिमटी एक कहानी। मेरी माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं। Right. बीच में लाने की क्या जरूरत है? She's already there. You know what? ये सारी गलती तुम्हारी मम्मी की है। वैसे ही तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं होता है। इतनी मुश्किल से हम लोग यहाँ पर आए, लेकिन मैं भी go back. She's already going to be there. This is what you want, ना? Super privacy. Happy? मेरी माँ वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आ रही है। Don't you understand this? तो तुम्हारे बड़े भाई के पास क्यों नहीं जाती? यहाँ क्यों आती है? That's because we both are doctors. You guys, all right? No, we are married. इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने एक डॉक्टर से शादी की? You know what? जब से मैंने तुमसे शादी किया ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। It's just you and your mama. Mama, क्या कहेंगी आप? Reena, mama के लिए परांठा बना। ये Reena है और ये Nikhil. They were unhappily married. और जब मेरी मम्मी आती है ना, तो तुम्हारी शक्ल देखने वाली होती है। Yeah, like this. You know what, Dr. Nikhil? You're a very, very selfish man. अच्छा? तो क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? हाँ? Why can't you leave me alone? It's simple, है ना? यहाँ पर आकर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। Alright, I'm going. Yeah, that's better. मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। आ जाओ। कभी नहीं आऊँगी। Please. Oh God, I'm in you. आ जाओ। समय तक अपने आप को। Damn. उधने जा रही। Damn. कोरा Reena, नहीं। Don't touch me. ये इनकी कहानी है। Vicky, Natasha, help me. छोड़ो मुझे। ये Vicky और Natasha हैं। Natasha का डांसिंग स्कूल है। ये और बात है कि वहाँ सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, Vicky. They were happily unmarried. Stand straight. Hands up. लगता है दोनों फिर से शुरू हो गए। तुम क्यों रुक के मुंह की मो? Vicky, हमने मुंबई में क्या डिसाइड किया था? जो भी गाली बकेगा उसे पूरे क्रूज का चक्कर लगाना पड़ेगा, वो भी बिना कपड़ों के। मुझे नहीं इसे बचाइए, समुद्र में कूद के जान देने जा रही है। Why are you mad? There are sharks in the water. Don't commit suicide. तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ अगर मुझे गलती हो गई। मैं सुसाइड नहीं करी, मैं अपना पर्स लेने जा रही हूँ। ओके, ये ले। तू तो यूं ही खुश हो रहा है। इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने। यू नो व्हाट, यू आर सिक। You're a bloody MCP. You are a bloody. Yeah, hey. गाली नहीं, okay? Relax. तुझे पता है Vicky? इस पूरी दुनिया में ना दो तरह की औरतें होती हैं। एक जिनके बिना रहा नहीं जाता और दूसरी ये जिनके साथ रहा नहीं जाता। मुझे तो तुमसे अभी के अभी डिवोर्स चाहिए। अभी यार अच्छा खासा मूड है, मुंबई चल के ले लेना प्लीज। अरे आई कांट टॉलरेट दिस गाय फॉर इवन हाफ अ सेकंड। मैं एक क्रूज जोड़ के जा रही हूं। बट Reena, हुआ क्या है? ये पागल हो गया, चलो दूर जाओ, बहुत देर। इसकी बात अरे इसकी माँ का। Reena, तुम गाली नहीं दे सकती हो। अरे इसकी माँ का। Reena, you just can't abuse, okay? I'm not abusing. मैं कह रही हूँ इसकी माँ का प्रॉब्लम है। उसे जुकाम भी हो जाता है ना, तो भी मुझे ब्लेम करती है। अभी तो she went from my house. अभी she's coming again, yeah. उसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं अपनी माँ को बुला लेता हूँ। नटी अपनी माँ को भी बुला लेंगे। We'll all have a party. A mother's party. I'm going. अजय कहाँ है? हट। हर।
तू समुंदर में जा, तू जा मछलियों के साथ तैर, मम्मी के साथ तैर। स्टूपिड, इट्स टू हॉट। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ नाटी, हाँ मैं तुम्हारे लिए रिंग लाया हूँ। वो भी सॉलिड सॉलिड टेर है, 3 लाख की है, लेकिन मुझे 2.9 में पड़ी है, यू नो। लेट्स गेट मैरिड नाउ। विक्की, इट्स टू अर्ली बच्चा, अभी तो तुम्हें 3 स्टेप भी नहीं आते डांस के। मैं चाहती हूँ कि एज मैन एंड वाइफ वी शुड डांस ऑन द सेम रिदम। चलो लेट्स डू द चा चा चा। नोर अगेन यू चा चा। अच्छा तो ये इनकी कहानी है? ये कहानी है इनके साथी अजय की। अजय स्मार्ट सेक्सी सेंसिटिव सेंसिबल सिंगल साइकेट्रिस्ट, इस ग्रुप का सबसे होनहार शैतान, बातें ऐसी के दीवाना बना दे, और चाम ऐसा कि बचने का कोई चांस नहीं। आप अगर मिलती तो डेफिनेटली प्यार करने लगती। अजय दिखने में कैसा है ये? अजय दिखने में दिखने में इमेजिन मी 25 साल पहले, 25 years ago। अजय मैं जा रही हूँ। अभी तो ठीक से आई भी नहीं। मैं क्रूज छोड़ के जा रही हूँ। 2 मिनट दो, मैं भी चलता हूँ। इस स्टेज पे क्रूज अबॉर्ट करने का मतलब जानती हो? इट्स लाइक अबॉर्टिंग अ चाइल्ड इन द 7th month। कायना को समझ सकती हो? इट्स नॉट पॉसिबल। पता है कितना नुकसान होगा? और कहीं इन्होंने रास्ते में उतार दिया तो चल के भी घर नहीं जा सकते। But excuse me, pregnant कौन है? अजय, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो मेरे साथ रह लो। तो मैं क्या करूँगा? तूने लास्ट कब कुछ किया था? हाँ? तू वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है बेटा, जा जाके नेट प्रैक्टिस कर। अबे तेरी माँ का देख संभाल के, तेरी माँ की वजह से पहले ही प्रॉब्लम हुआ था। Listen, that's it. I wanna go and right now. Okay. देखो, हमें मान लेना चाहिए कि रीना और ये सोडियम सल्फेट साथ में नहीं रह सकते, और ये क्रूज को बीच में छोड़ा भी नहीं जा सकता, तो बीच समुंदर में एक ही रास्ता है। बीच समुंदर में भी रास्ता है? इन दोनों का डिवोर्स करा देते। 100%। तू अपनी वेडिंग रिंग उतार के दे दे। मैं रिंग पहनता ही। See, I told you he doesn't love me. अच्छा, तो तुम उतार के दे दो। Of course. बाथरूम में रहेगी ना तेरे। लो, इनका तो पहले ही डिवोर्स हो चुका है, और हम खामखा में ही। मुबारक हो जी, मुबारक हो। मुंबई चल के पेपर्स रेडी करवा दूंगा, ओके? प्लीज। ओके देन लेट्स सेलिब्रेट यार। Let's have a drink. Let's party! और ये कहानी है पिया की। ब्यूटीफुल सेक्सी सेंशियस गॉर्जियस, स्माइल ऐसा कि होश उड़ा दे, स्टाइल ऐसा कि बैंड बजा दे। एक बार प्यार से देख ले तो फिर कुछ और दिखाई ना दे। What can I get you, sir? अच्छा ये बताओ, ये पिया ये देखने में कैसी थी? बिल्कुल इनकी तरह। You mean, ये भी 25 साल पहले? कोई फर्क नहीं पड़ता। Can I take your order, sir? Huh? I said anything you desire, sir. You. I beg your pardon? Done. इतनी स्वीट सूरत इंडियन ही हो सकती है। आप इंडियन है ना? है ना? Will it change the taste of your drink, sir? No, 5 vodkas, please. Thank you. I think ये नेपाली हैं, है ना? कोई पिया थापा? जी। लेकिन लगती बिल्कुल इंडियन है। मैं जैसी लगती हूँ वैसी हूँ नहीं, और जैसी हूँ वैसी लगती नहीं।
पर जैसी भी लगती हैं, क्या लगती हैं? वेरी गुड. Hey guys, your 5 tequila, sir. पर हमने तो वोडका ऑर्डर की थी ना? No, I think आपने टेकीला ऑर्डर की थी ना? But I can get the vodka. It's not a problem, really. कोई बात नहीं. Next time vodka भी नहीं होगी, तो टेकीला ऑर्डर कर देंगे. Are you sure? Always. Okay. Enjoy your drinks. Drinks, please. Drinks, please. Lacey, could you help these gentlemen, please? Thanks. Lacey will help you, sir. What can I get you, sir? एक हम्बा कंट्री, एक पटियाला संतरा, एक मौसम्बी, एक महुआ और साथ में कुछ चखना. What was that, sir? Ah, I'll explain. You see, country, santra, mosambi, are Indian wines. You know, like Indian wives, you lose control. But I like English wines. He's right. Indian women are like desi daru, always make you lose control. But Indian men are like a mouse, always looking for a... So disgusting. True. So true. You disgusting man. Kya disgusting? Oh, shut up. Kiska parcel hai yaar? One MC and a margarita. You know something? Do you believe in love at first sight? आप नशे में हैं. नशा तो आपको देखते ही हो गया था. आपने शायद नहीं देखा, पर मैंने देखा कि आपके देखने में एक सपना था, जो अक्सर मैंने अपने सपने में देखा. और आज उस सपने को देखा तो देखता ही रह गया. You know what I'm trying to say? मुझे लगता है आपको और नहीं पीनी चाहिए. आप नहीं पिलाइए. ठीक है, अब नहीं पिलाऊंगी. आप अब भी पिला रही हैं. देखिए, देख ही तो रहा हूं. Beer, your drinks. Thanks. You know something? Drinks, please. Friends, friends, friends. Aaj drinks free. On the house. बिल मैं दूंगा, क्योंकि दिल भी मैंने दिया है. Let's party and get tight, cause it's love at first sight. अरे, I'm a poet and I didn't even know it. Who's the lucky girl? There, she's the lucky girl. आंखों के प्याले पटियाले अंबाले, एक घूंट जो पी ले साला चढ़ जाए समाने. उसने घूर के देखा तो भड़क भड़क कुछ फड़का है, मुझको कच्चा खा गई, झोंका है ना तड़का है. पहली बार हुआ ऐसा, धड़का नहीं दिल धकड़ा है. जो दिल धकड़ा है तो कुछ लफड़ा है, जो दिल धकड़ा है तो कुछ लफड़ा है.
रिदम दिल धकड़ा है तो कुछ लफड़ा है तो दिल धकड़ा है तो कुछ लफड़ा है दिल धकड़ा है तो कुछ लफड़ा है Something. It took me 24 drinks to say I love you. Sir, I told you, you're drunk. I'm drunk, but you're beautiful, and I'm going to be sober tomorrow morning. But you're still going to be beautiful. And I'm going to come tomorrow and say, I love you. I love you. Good morning, sir. Good morning. वैसे इससे ज्यादा morning good और नहीं हो सकती. You know something? क्या? मैं तुम्हारा ही सपना देख रहा था. Really? हाँ. Let me guess. I was wearing the same clothes. हाँ. और मेरी face पे ऐसी ही मुस्कुराहट थी ना, right? Right. मैं drinks serve कर रही थी, वो free वाली. Oh God, right. लेकिन एक चीज मैंने सपने में नहीं दी जो मैं रियल में देना चाहती हूँ. क्या? ये बिल उन फ्री ड्रिंक्स का जो आपने सपने में पिलाई और लोगों ने रियल में पी. $6,500. ये किसका बिल है? आपकी लव एट फर्स्ट साइट का. इतना सारा
आई मीन इतना सही बट आई एम हैप्पी आप खुद देने आई. इवन आई एम हैप्पी क्योंकि बिल देने के बाद आपके चेहरे का पहला रिएक्शन मैं देखना चाहती थी. गुड डे सर. पिया पिया यू नो समथिंग मुझे तुमसे प्यार हो गया. अब आई एम सोबर एंड यू आर स्टिल ब्यूटीफुल एंड आई एम स्टिल सेइंग आई लव यू. यू नो समथिंग कल रात को 4 लोगों को मुझसे प्यार हुआ. 3 लोगों को लेसी से, 2 लोगों को मारिया से और एक आदमी को अपनी खुद की बीवी से प्यार हो गया. सर 4 ड्रिंक्स के बाद आपको मुझसे क्या किसी भी आदमी से प्यार हो सकता है. पिया मुझे किसी आदमी से प्यार नहीं हो सकता क्योंकि वैसा मैं हूं नहीं ना. हैव डिनर विद मी टुनाइट. सॉरी सर हमें गेस्ट के साथ घुलना मिलना अलाउड नहीं है और अगर होता तो भी मैं आपके साथ नहीं आती. गुड डे सर. गुड डे. हेलो डॉक्टर मेहरा आज किस टाइम पंप में आ रहे हो यार. क्यों. अरे भाई नया नया प्यार है 2-3 दिन तो फ्री में पिलाओगे ही. विकी ये दुई हस्तक भुजंगासन. अरे नहीं 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 नताशा ये मुर्गासन है. जोर लगा विकी शाबाश कम ऑन. दुआ रखो गांव वालों विकी के खानदान में लड़का पैदा हुआ है. बस नटी बस ये मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया है. पर तुम तो कहते थे तुम्हारे डैडी रोज योगा करते हैं. करते हैं लेकिन उन्होंने अपने लिए एक आदमी रखा है जो उनके लिए हर रोज योगा करता है. He is a big man, you know. अच्छा? उन्होंने अपने हर काम के लिए एक आदमी रखा है. Really? हर काम के लिए? Of course, man. मतलब इसके लिए हुई? हाँ हाँ. क्या बात कर रहा है? डिलीवरी हुई है. गाली दे गाली दे मैं पूरा देने तक. ये क्या गाली? दे दे दे. फिर पूरे शिप के चक्कर लगा तू नंगा. दे दे दे. ओहो हो अकबर बादशाह पधार रहे. उतर गई दारू हो गया इश्क पूरा. दिमाग की मामत खोद यार पहले ही दर्द कर रहा है. लव लेटर में लिख के देगा क्या? शिट. अबे यहाँ मत कर. शिट करना है तो टॉयलेट में जा. मजाक लग रहा है तुझे. $6,500 का बिल है पागल. क्या लो मुफ्त में दारू पिलाने का होगा ये. अजय यार तू इतना बड़ा डॉक्टर है ये सब सूट नहीं करता मैं तुझे. क्यों बड़े डॉक्टर्स की फीलिंग छोटी हो जाती क्या? वो क्या कहते थे कॉलेज में जब शहर लूटना हो तो बत्तियां बुझा दो. अंकल बॉल प्लीज. नाइस फ्लावर्स. व्हाट्स योर फेवरेट कलर? हाय हाउ आर यू? पहले से आराम है. सी यू लेटर. शुक्रिया. हाल चाल पूछने का मूड नहीं है. I asked, what is your favorite color? My, it's white. Excuse me. Yeah? A bunch of white lilies, please. Sure. Sir, your flowers. Thank you. White for the gorgeous lady. Thank you. My favorite color is red. Abhi toh white bola. You just said white? White is Pia's favorite color. That's what you wanted to know, actually, right? Can you do me a favor, please? No, I'm not going to give her the flowers. No, can you just get me into Pia's room when she's not around? No way. I just want to place these flowers. She'll kill me. Please. No. No way. Have you ever fallen in love? You're right. I was so wrong. I should have tried harder. Do not forget to talk to Lucy about Sunday's plan. I got appointment. और मैं तुम्हारी तरह बिना हारे हारना नहीं चाहता वरना सारी जिंदगी अफसोस होगा कि कोशिश करता तो पिया शायद मेरी. What? What are you saying? What नहीं? वाट लगी हो प्यार में तो वाटर बट समझ में नहीं आता. Understood? Anyway, hurry. कर तो रहा हूँ यार. इसको रखने की सही जगह तो मिले. Hurry. Oh my God, she's coming. Pia,
Lacey, are you okay? Lacey, what happened? You have to come with me. My life is a book of possibilities. जिसमें हैं कुछ सपने, कुछ सच जो सपने जैसे लगते हैं, वो बचपन, एक फूलों सा घर, और मेरे प्यारे से पापा। याद है पापा, आप हमेशा मुझे टोकते थे। वो लेकर चॉकलेट्स बहुत याद आते हैं। I miss you, पापा। Happy birthday, पापा। Thank you, बेटा। चॉकलेट। हाँ हाँ मिल रहा है चॉकलेट, आप ही के लिए तो रखा है। ये लीजिए चॉकलेट। वो नहीं, वो लिखियो चॉकलेट है, इसमें से ले लो। पिया। और एक सपना जो सीने में सांसों की तरह आता जाता है, और अब दिल बन के धड़कता है कि कोई मुझे आसमां तक लेके जाए और आईफिल टावर पर मुझे बाहों में लेके कहे I love you, Pia. कोई तो होगा, कहीं तो होगा। आजकल एक सपना मुझे फिर से आने लगा है कि मेरे पास एक लैब्राडोर हो जैसा बचपन में था, हैंडसम एंड ब्राइट। उसका नाम रखूंगी मिस्टर व्हाइट। मैं सालसा सीखना चाहती हूँ। ये सपना मैं खुली आंखों से देखती हूँ। आंखें बंद करूंगी तो सालसा कैसे सीखूंगी? I would love to dance the dance of my dreams with the man that I love. Ladies and gentlemen, now we present to you from Standard 9, Ajay Mehra. Again, अब ये फूल लेके आएगा, and I'm gonna tell him. Now stop bothering me. हर बात की एक लिमिट होती है, ये तो. Happy birthday, auntie. Thank you. Hi. Flowers for the birthday girl. भगवान हर विश पूरी करे तुम्हारी. Thank you, auntie. But just one. बाकी सब मैं खुद पूरी कर लूँगा. मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें मिले. जब तक सूरज चांद रहे तेरा नाम रहे बेटा. थैंक यू आंटी. आंटी तेरा नाम क्या है बेटा? थोड़ी ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है. और गिफ्ट वाउचर्स फूलों में. यू टू. थैंक यू आंटी. थैंक यू. ओके बेटा. थैंक यू आंटी. अरे छोड़ो ना, चली गई यार. चली गई. हैप्पी बर्थडे आंटी. हाय. आपको कैसे पता आज उस लेडी का बर्थडे है? बर्थडे किसका? अच्छा अच्छा वो फूल, वो तो आपको इम्प्रेस करने के लिए थे. रियली? मुझे इम्प्रेस करना होता तो मुझे फूल देते. इसमें भी कोई थियरी है क्या? पहले मैंने सोचा कि आपको दूं, फिर मैंने सोचा कि आप सोचेंगे कि मेरी इस फूल देने की सोच के पीछे मेरी कोई ऐसी वैसी सोच तो नहीं, तो मैंने सोचा फिर आपको सोचने का मौका क्यों दूं. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नो. गुड. हैप्पी बर्थडे. आपको क्यों लगता है दुनिया में सब लोग एक ही दिन पैदा हुए? आज मेरा बर्थडे नहीं है. मेरा है. ओह, आपका भी है? जी. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. चॉकलेट्स? ओह, थैंक यू. नहीं वो पीछे वाली नहीं, उनमें लिखे और है. वेयर्ड. एनीवे, आई लव लिकर चॉकलेट्स. थैंक यू. मुझे पता है. आपको कैसे पता?
आप ही ने तो बताया। कभी? अभी 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 तो बताया। सच मानो तो अच्छा लगा देखकर that you care about people। वो कल मैंने उसे फोन पे बात करते हुए सुना, अपनी बेटी से। बहुत अकेला महसूस कर रही थी तो मैंने सोचा कि you know something? क्या आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं पता नहीं, but actually I'm a nice guy। मुझे पता है। कैसे? आप ही ने तो बताया। कभी? अभी 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 तो बताया। ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। क्या? हंसना। See you soon. Bye. Not bad. Oh, this is bad. ये तो गलत है। क्या आइडिया निकाला है? एक बार में ही फंसा लिया। फंसा लिया? लड़की ऐसे नहीं फंसती। सरासर बेवकूफ बना रहा है लड़की को झूठ बोल के, और कहता है प्यार करता हूं। एक सच की उम्र 100 झूठ से बड़ी होती है, और अजय अपना सच इसी उम्र में पाना चाहता था। सच क्या था? अजय का प्यार। I agree। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अभी कुछ साल पहले की बात है, मैं कॉलेज में था। कॉलेज में था तू? कुछ साल पहले हैं? अबे बिल्डिंग गिर गई जिस कॉलेज में तू था। जब देखो लेना एक ना देना दो, हर वक्त घड़ी में पौने नौ। आगे। एक मिनट। अरे एक मिनट यार। हेलो, इट्स नॉट लाइक दिस। टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड। अरे प्ले मोर यार। हाँ? बेंड अ लिटल। तू इंडियन है? नो, पाकिस्तानी। तो ना क्यों कटा रहा है जनरल साहब की? देख, अपने पार्टनर को ऐसे आगोश में लो, नजाकत से आए, उसे यकीन से वाबस्ता कराओ कि वो तुम्हारी बाहों में महफूज है। ऐसे उसे कॉन्फिडेंस दो कि तुम उसे हमेशा अर्श पे रखोगे, फर्श पर नहीं। हाँ हाँ, ऐसे करेक्ट। तुम्हें सालसा करना आता है? लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। लेकिन क्यों? एक हादसा आदमी की जिंदगी को बदल देता है। कैसा हादसा? इट हैपेंड जब हम लंदन में शो कर रहे थे। लंदन में शो? वाओ। टोरंटो फेस्टिवल में परफॉर्म करने के बाद जब हमें गोल्ड मेडल मिला तो। गोल्ड मेडल इन द टोरंटो फेस्टिवल? दैट्स अमेजिंग। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। अजय मेहरा, ग्रेट साल्सा डांसर। टोरंटो में तुमने डांस किया था? बाय गॉड, क्या डांस किया था। एक फोटो। थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि इतने दिनों से मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट साल्सा डांसर को ड्रिंक सर्व कर रही थी। मैं डांसर था, अब नहीं। तो तुमने छोड़ा क्यों? बहुत लंबी कहानी है। याद है मुझे वो 31st नाइट की नाइट? हर तरफ खुशियों का माहौल था। मैं और कंचनजंगा गोडबोले। कंचनजंगा गोडबोले मेरी डांस पार्टनर थी। हम दोनों डांस कर रहे थे, और क्या डांस किया था कंचनजंगा गोडबोले ने उस रात। और डांस करते करते अचानक क्या हुआ? अचानक मैंने कंचनजंगा गोडबोले को अपनी तरफ खींचा और और उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया, और कंचनजंगा गोडबोले God। और मेरा सालसा छूट गया। उस दिन के बाद मैंने कंचनजंगा गोडबोले की कसम खाई कि आज के बाद कभी डांस नहीं करूंगा। How sad। गोल्ड मेडलिस्ट। ऐसा टैलेंट वेस्ट हो जाए। नहीं अजय, तुम्हें फिर से सालसा करना चाहिए। नहीं पिया, इट्स नॉट पॉसिबल। यू मस्ट डू इट अजय, वरना एक दिन ये टैलेंट खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। मर चुका है, उसे जगाना होगा। सोने दो। नहीं अजय, सालसा जैसा प्यारा डांस, विल यू टीच मी? क्या तुम मुझे सिखाओगे?
What? Yeah, मैं हमेशा से salsa सीखना चाहती थी. And you know, gold medalist, इतना talented dancer मेरे सामने बैठा हुआ है. Will you teach me, please? Please, Ajay, come on. No, 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 Pia, it's not Ajay, possible. Ajay, please, Ajay, come on. लेकिन तुम्हारे पास time कहाँ है? और फिर guest लोगों के साथ घुलना मिलना allowed भी तो नहीं है. Yeah, I know. But I'll manage. Somehow I'll manage. सुबह 6 से 11 मेरे साथ. 7, 8, 9, 10, 11 पांच घंटे तुम्हारे साथ. लेकिन तुम उठ नहीं सकते ना. नहीं मैं सोऊंगा ही नहीं. क्या? मेरा मतलब है कब शुरू करना है? कल से. कल से? अब और रुका नहीं जाता. Wait, no, Vicky. You know how much I love doing this for you. आज मैं तुम्हारे लिए नाच रही हूँ. खत्म मेरे लिए करना. क्या करता है यार? कम से कम नॉक तो किया कर. नॉक की इतनी फिक्र है तो लॉक किया कर. चलो नताशा. कहाँ? अरे काम है यार. अरे मैं भी तो काम कर रहा हूँ. अरे मुझे सालसा सीखना है अभी. हाँ. और मैं जो भांगड़ा कर रहा हूँ उसका क्या? उसके लिए सारी जिंदगी पड़ी है. चलो नताशा. अच्छा 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 सुन 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 सुन. 2 मिनट दे प्लीज. नताशा इसे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं? जी. अच्छा लेकिन कपड़े तो पहन. साले बहन. व्हाट आर यू डूइंग अजय? तेरी मां यार उधर क्रूज का चक्कर लगाने के लिए. नहीं के साले हराम. अबे चल. ठंड लग रही है यार. क्या है बे? प्रॉब्लम क्या है तेरी? कितने की बॉल थी तेरी? हाँ तुझे क्या लगता है मैं तेरे पीछे वो बॉल लेने के लिए घूमता हूँ? तो क्या लेने के लिए घूमता है बे? प्यार करता है पिया से. तेरे से मतलब? मैं भी करता हूँ. पिया से? नहीं मैं दूसरे के माल और दूसरे के बॉल पे नजर नहीं रखता. मेरे स्कूल में एक लड़की है. बाय गॉड क्या लड़की है. मैं उससे प्यार करता हूँ. तेरे से उसे पटाने का तरीका सीख रहा हूँ. तू आदमी खड़ूस है बट पटाने का स्टाइल अच्छा है. ए चल चल आ गई. हाय. हाय. मुझे लगा तुम भूल गई कि मैं यहाँ इंतजार कर रहा था. नहीं मुझे याद था. मैंने 7 बजे कहा था ना. 6 बजे कहा था ना. 7. अरे 6. 7 बजे कहा था. अच्छा ठीक है. बहस नहीं करते. चलो डांस करते. कल से टाइम पर आना. तुम वक्त से पहले मत आना. हम दोनों में कुछ तो है जो एक सा है. या क्रूज पर आना वाज माय ड्रीम. और तुम्हें भी क्रूज पसंद है ना. तुम्हें आईफिल टावर देखना है और मुझे भी आईफिल टावर देखना है. तुम्हें सालसा अच्छा लगता है और मुझे भी सालसा अच्छा लगता है. मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कोइंसिडेंस देखो तुम भी तुम्ही से प्यार करती हो. आई लव डॉग्स. आई एम श्योर तुम्हें भी पसंद होंगे. कुत्तों से तो मेरा पुराना रिश्ता है. Weird. We have so much in common, ना? हमारी पसंद कितनी मिलती है?
मेरे पापा भी ऐसे ही चॉकलेट्स लेके आते थे अपने बर्थडे पर, जैसे तुम लेके आए थे, और हमेशा कहते थे ये मत लेना, इनमें लिकर है. एंड यू नो, मैं वही चॉकलेट्स लेती थी. आई मिस हिम, ही इज नो मोर. एंड योर मॉम? आई थिंक शी इज इन केन्या. आई स्टे इन न्यू जर्सी. वो तुम्हारे साथ नहीं रहती? वो किसी और के साथ रहती है. माँ किसी और से प्यार करती थी और पापा खुद से. जब हम कैलकटा से न्यू जर्सी शिफ्ट हुए, तभी से अनफॉर्चुनेटली मैंने हमेशा प्यार का वही साइड देखा है, जहाँ सब कुछ फेक था, झूठ था. पहली नज़र में प्यार होता भी है, मुझे नहीं पता था सच. यू नो समथिंग, जब मैं कॉलेज में था तो अक्सर एक घड़ी की दुकान के सामने से गुजरता था. एक दिन मैंने उस घड़ी की दुकान पर एक खूबसूरत पर महंगी घड़ी देखी. उस घड़ी से वो घड़ी हर घड़ी मेरे दिमाग में घूमने लगी. शायद उसी घड़ी मुझे उस घड़ी से प्यार हो गया था. डैड बचपन में छोड़ के चले गए थे, अपने बचपन में नहीं, मेरे बचपन में. माँ मेहनत करके मुश्किल से गुजारा करती, तो वो घड़ी कहाँ से लेती. पर मैंने मेहनत की, पढ़ा, डॉक्टर बना, एक जुनून था. एंड यू नो समथिंग, आज वो घड़ी मेरे पास है. जैसे प्यार को पाने के लिए जुनून जरूरी होता है, प्यार को निभाने के लिए भी एक जुनून जरूरी होता है. कहीं पढ़ा था. पर किसी ने तो लिखा होगा. Venga y hágate en este amor, mora si quieres, pero en este amor. Venga y hágate en este amor, mora si quieres, pero en este amor. Jinko bhi milna hai likha. इश्क मिलवाएगा जिनको जिनको भी मिलना है लिखा. इश्क मिलवाएगा दूर दूर से ढूंढ ढूंढ के पास ले आएगा. कहीं भी जाके छुपो इश्क वही आएगा. कितना भी ना करो उठा के ले जाएगा. मानो या ना मानो ये सारी ही दुनिया इसी के दम पे चले.
हूँ सालसा टीचर, मिल गई फाइनली। अजय मान गया तुझे घड़ो। बहुत हरामी है तू। क्या बोला क्या उसे? कुछ नहीं यार, हमने तो बस विकी सोल्स आपस में बात नहीं करते। दोनों तो सोलमेट्स है ना। हो भी सकता है। और जब उसे असलियत का पता चलेगा तो? रीना इज राइट, अजय दिस इज चीटिंग। एक मिनट, इसमें चीटिंग क्या है? तुम्हें नहीं लगेगा, एवरीथिंग फेयर इन लव के नाम पर तुम लोग लड़की के इमोशंस के साथ खेलते हो। कभी ये सोचा जब उसे पता चलेगा हाउ विल शी फील? आई एम श्योर तभी अजय के पास कोई गेम प्लान होगा टू मिसलीड हर। कम ऑन नताशा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यू शट अप। अजय, आफ्टर हियरिंग ऑल दिस मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी मदद करके गलती की। नताशा, बट आई लव हर। देन टेल हर सच क्या है, टेल हर कि तुमने क्या क्या झूठ बोले हैं। आई विल, वक्त आने पर मैं उसे बता दूंगा। अभी क्यों नहीं? अरे इसमें गलत क्या है, बंदा प्यार करता है। प्यार? तुम्हें प्यार का मतलब ही पता है? यू आर सच अ सेल्फिश पर्सन। इनफ इज इनफ रीना, डोंट गेट पर्सनल। जाने दे यार। क्या जाने दूं, देख रहा है ना तू, इसका हर वक्त चालू रहता है, हर वक्त। रीना की पाचा, जब इसने बोल दिया कि ये बता देगा तो वी शुड बिलीव हिम। इसमें इसका क्या प्रॉब्लम है? यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज, तुम लोगों की मेंटालिटी ऐसी। यू गाइस थिंक यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग राइट? लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। मैं जाकर अभी उस लड़की को बता दूं कि असलियत क्या है। रीना, रीना क्या यार तुम लोग के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा। यू आर ग्लोइंग पिया, यू आर लुकिंग गुड, यू आर स्मेलिंग गुड टू। अच्छा बताओ दोनों में से अच्छा कौन है, पिया या लिलीज? पिया। हाय। हाय। तुम इन फूलों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो पिया, इनकी खुशबू तो शायद कल ना रहे, तुम्हारी हमेशा रहेगी। अजय बहुत अच्छा है, ही इज अ वेरी नाइस गाय एंड ही इज वेरी लकी टू हैव यू। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग। तुमने सुना उसने कहा तुम बहुत लकी हो, तुम्हें क्या लगता है मैं भी बहुत लकी हूं ना? उसने झूठ कहा है तुमसे, मैंने झूठ कहा था तुमसे। फैसे के मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी थी, बुक ऑफ पॉसिबिलिटीज। और फैसे कि उस दिन मेरा जन्मदिन नहीं था और ना ही उस आंटी का। तुम्हें लिखे और चॉकलेट्स पसंद है, ये मैंने तुम्हारी किताब में पढ़ा था। मुझे सलसा भी नहीं आता। पर मैंने सीखा तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी हर लाइकिंग को अपनी लाइकिंग बनाने की कोशिश की। नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू ऑर्डर सर, मैम कैन यू हैव फाइव वॉकर्स प्लीज? मेरा तरीका गलत हो सकता है पर मेरा प्यार नहीं। पिया, कैन आई टेक योर ऑर्डर सर? पिया बट कैन आई टेक योर ऑर्डर सर? शायद वो सब मैंने इसलिए किया क्योंकि
क्रूज खत्म होने से पहले मैं तुम्हें पाना चाहता था। नहीं, मैं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास बहुत वक्त है। मैं सारी लाइफ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर लाइफ में कभी ऐसा लगे कि मेरे साथ बिताया हुआ एक भी मोमेंट सच्चा था तो मुझे कॉल करना। घड़ी साथ इसलिए छोड़े जा रहा हूं क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। मेरा अच्छा वक्त तुम्हारे साथ जा रहा है। लाइफ में कभी लौटो तो इसे साथ लेते आना। चलता अपना ख्याल रखना। पिया चली गई। करेक्ट है, ऐसे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा हुआ मारा नहीं उसे। अरे चुप कर तू, तू नहीं समझेगा। अरे प्यार में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तुझे। लेकिन प्यार ऐसे कैसे? अजय ने उसे जाने क्यों दिया? उसे रोका क्यों नहीं? नहीं जाती तो वापस कैसे आती? तो क्या वो वापस आई? Was she called? हेलो अजय, अबे है कहाँ तू यार? पिछले दो महीने से तो फोन तो किया। हाँ अभी इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। मेरे साथ है, I'll bring her to. Told you not to enter the room without knocking. मुझे भी अंदर आने का कोई शौक नहीं है। अजय का फोन आया था, उसने हमें अभी घर बुलाया है। अरे अरे क्या कर रहा है? बैठने तो दे यार। बैठने का टाइम नहीं है यार। कितनी बार अजय का फोन आ चुका है, किधर है, कहाँ पहुँचा, निकला क्या? Of late he's behaving very strangely. जब से क्रूज से लौटा है ना पागलपन कर रहा है। नहीं, जब से कुत्ता लाया है। हाँ, तब से पागल हो गया। अजय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Relax, Mr. White. ने कुत्ते को पाला है या कुत्ते ने तुझे पाला है? अरे तू नहीं समझेगा यार, पिया को यही ब्रीड पसंद है। But tell me, तू sure है पिया आएगी क्या? अजय को लेकर भाग गया। अरे ये तो कुछ नहीं, लास्ट टाइम मैं और नताशा उसके घर गए थे ना, he was shocked. Yeah, it was white everywhere. कैसा लग रहा है? Nice. जोर से लग रहा है। अरे you guys know, पिया का favorite color कौन सा है? What? क्या है? It's white. Oh, how romantic. Tell me something, ये white walls, white furniture, सब white white करने से पिया वापस आ जाएगी? ये कैसा है? इसे भी white frame कराऊंगा। Oh, brilliant idea. है ना? ये देख, ये तो बाहर बैठा है। प्रॉब्लम क्या है तेरी? इतनी रात को क्यों बुलाया तूने? और तू है कहाँ यार 2 महीने से? अबे बताने का टाइम नहीं है, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। शादी? शादी? किसकी शादी? मेरे बाप की। Really? किसके साथ? But you said कि वो तो चले गए हैं। कल ही लौटे हैं शादी करने। तू भी यार। Hi guys. Remember पिया? ये कब आई? हाँ। देख क्या रहे हो? प्यास है पिछले 2 महीने से। बट आई कैसे? हाँ? दरवाजे से। हाय, सरप्राइज्ड? ओह माय गॉड, हाउ क्यूट। हाय बेबी, हाय स्वीटी। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। फिर क्या हुआ? तारा बलम चंद्र बलम। इमेजिन, क्या हो सकता है? ये सब एक्चुअली ये व्हाइट वॉल्स मिस्टर व्हाइट को बहुत पसंद है। और मिस्टर व्हाइट इन व्हाइट वॉल्स को? और दोनों एक दूसरे को। और ये मुझे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीक। 6 महीने लगा दिया आने में, पूछा नहीं इतना वक्त क्यों लगाए? ये मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्रूज से आने के बाद मैंने जब भी क्रूज के बारे में सोचा तो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा, और तुम्हारे बारे में सोचते सोचते मैंने ये सोचा कि तुम्हारे सोचने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन तुम्हारी सोच गलत नहीं थी। यू नो व्हाट आई मीन? वरना सोचो, कोई किसी को सालसा सिखाने के लिए रात रात जाग के सालसा सीखने की भला सोच सकता है? और सीख भी ले तो मैं नहीं सोचती कि कोई सच बोलने की सोचेगा। तो मैंने सोचा कि इतना सोचूंगी तो सोचती ही रह जाऊंगी,
और बाद में सोचूंगी कि इतना सोचा क्यों. You know what I'm trying to say? No. Good. अब सोच क्या रहे हो? सोच रहा हूँ इतना सोचने में 6 महीने लगा दिए, 3 महीने और लगाती तो एक नई जिंदगी पैदा हो जाती और उसका नाम पता है क्या होता? सोच. Oh, shut up. सोच तो मैंने 3 महीने पहले ही लिया था, लेकिन फिर सोचा तुम्हें कहाँ ढूंढू, कहाँ कॉन्टेक्ट करूँ. पर एड्रेस तो छोड़ा था मैंने. वही तो भूल गई थी ना. फिर अचानक एक दिन मैंने तुम्हें सपने में देखा, वही चेहरा जब आखिरी बार तुम मेरे कैबिन में नोट छोड़ के गए थे, तब याद आया. नोट ढूंढा और यहाँ चली आई. थैंक गॉड तुम सपना देखना नहीं भूली. यू नो समथिंग, व्हाट, तुमसे मिलने के बाद मैंने भी एक सपना देखा था, तुम्हारे हर सपने को सच करने का सपना. आई मिस्ड यू. आई मिस्ड यू टू. आई एम सॉरी. आज से तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होता है. हमारा अच्छा वक्त. ये अजय अपनी किस्मत कौन सी कलम से लिखवा के आया था? काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. आपको क्या लगता है, अजय की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं. निखिल और रीना को पहले डिवोर्स फाइल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब 1 साल बीत गया है तो डिवोर्स मिलने में प्रॉब्लम हो रही है. हवा की तरह होती हैं ये प्रॉब्लम्स, कितनी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं. और खिड़कियां अजय के घर में भी थी. मैं अपने पति को डिवोर्स देना चाहती हूँ. मुझे आपसे सर्टिफिकेट चाहिए कि उन्हें दिमाग की बीमारी है. अगर आपके पति को दिल की बीमारी होती तो भी आप उन्हें छोड़ देती? मिसेस जोशी, मैं जानता हूं आपके पति को स्किज़ोफ्रेनिया है एंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, पर आपको भी समझना है कि व्हाट योर हस्बैंड इज गोइंग थ्रू. मैंने शादी के 20 सालों में हर दिन कोशिश की है एक अच्छी पत्नी बनने की, लेकिन अब पिछले 2 सालों में उनके साथ रहना, उन्हें केयर फैसिलिटी तो भेज ही सकते हैं ना, वहां पर उनकी देखभाल भी अच्छे से हो सकेगी. मिसेस जोशी, मेरी तरफ देखिए. आप अपने पति को असाइलम भेजकर किसकी जिंदगी बेटर करना चाहती हैं, उनकी या अपनी? घर जाइए और एक बार अपने पति को गौर से देखिए. फिर भी अगर आपको लगे कि आपके पति को आपसे ज्यादा असाइलम की जरूरत है तो आई राइट अ लेटर टू द हॉस्पिटल. घर जाइए. थैंक यू डॉक्टर. ठीक है. एक मिनट सर, एक पेशेंट अर्जेंट बात करना चाहती है, सीरियस मेंटल केस है. जी सर. हेलो. हेलो, मैं डॉक्टर अजय मेहरा बोल रहा हूँ. डॉक्टर, मैं आपके साथ डॉक्टर खेलना चाहती हूँ, आप खेलोगे? कौन बोल रहा है? मैं आपकी पेशेंट बोल रही हूँ डॉक्टर, आप मेरे साथ कॉफी पियोगे? आई लव यू डॉक्टर. अबे साले, इतने बुरे दिन आ गए हैं तेरे. नताशा ने छोड़ दिया जो मर्दों का आई लव यू बोलता फिर रहा है. अरे जब दोस्तों से ऐसे नहीं मिलेगा तो पेशेंट बन के मिलना पड़ेगा तुझसे. है किधर तू यार? अरे यही हूँ यार. निखिल कहाँ है? निखिल इधर ही बैठा है, बीवी छोड़ गई तो आइटम देख रहा है. लंबे वाल पहुंच रहे हम लोग, जल्दी आ जा नीचे. लंबे वाल वाली आइटम के साथ बैठो. अरे यार पूजा सिंह टाउन. पूजा प्रसाद? भाई जो कॉलेज में सबको प्रसाद बांटी थी. पिछले हफ्ते शिफ्ट हुई है, हस्बैंड आउट है. तो हमें इन होना चाहिए यार. नंबर है उसका? लैंडलाइन है. तुम मिला उसे? अरे नहीं यार, जब भी फोन करो उसकी खड़ूस माँ फोन उठाती है. अरे मुझे दे, मैं बात करता हूँ यार. सेल में. अगर उसकी खड़ूस माँ फोन उठाए ना तो तू बोलना कि तो टेंशन मत ले यार, घंटी बज रही है. पायल भागू मम्मी जी. पूजा है मम्मी जी? पूजा प्रसाद मम्मी जी, पूजा को फोन दो ना. मैं विकी मम्मी जी, पूजा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ.
ये तो नटी की आवाज लगती है। नताशा, नताशा, गलती बन रही है। Listen, listen, baby, these guys are just playing a prank on me. नहीं, मैं सब कर। तेरी तो बहुत गलत है। अबे टूट जाएगी। अबे देख 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 क्या हुआ भैया? अजय, थैंक गॉड तू मुझे मिल गया। अजय क्या? थैंक गॉड तू मुझे मिल गया। क्या? अजय, मैं गुम हो गई थी। अजय, मैं गुम हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तुम्हें फोन लगाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारा नंबर भूल गई। अजय, मैं तुम्हारा नंबर भूल गई। भैया, लोग नंबर भूल जाते हैं। नहीं, मैं तुम्हारा नाम भी भूल गई। अजय, मैं तुम्हारा नाम भी भूल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सुबह मांगे जा रही थी। मैं देख रही थी और तुम अपने घर के सामने खड़ी हो। ऐसे कैसे भूल गई वो? कोई अपना घर कैसे भूल सकता है? उसकी तबीयत तो ठीक थी ना? बताते क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है? इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। एक्चुअली प्रॉब्लम कभी इंसान से बड़ा नहीं होता, इंसान ही उसे बड़ा बनाता है। यू नो समथिंग, दिल को धड़कना धड़कने खुद ही सिखा देती है, पर उन धड़कनों को जिंदा रखना पड़ता है। यही सीखना था अजय और प्रिया को, यही तो सीखना है हम सबको। हम प्यार करते हैं अपने लिए क्योंकि हमें कोई अच्छा लगता है, लेकिन निपटा तब है जब ये जान ले कि हमें जो अच्छा लगता है उसे क्या अच्छा लगता है। दोनों गम से गुजरे या गुजरे खुशी से, जहां से भी गुजरे, गुजरे अपनी खुशी से, कहीं पड़ा था पर किसी ने तो लिखा होगा। बेटा, ऐसा पहले भी कभी हुआ है तुम्हारे साथ? कभी इस तरह से कुछ भूल गई हो? अक्सर मैं दूध गैस पे रखकर भूल जाती हूँ, और कई बार मैंने प्लेट में खाना लगाया खाने के लिए, और शाम को आई रियलाइज की खाना वैसे का वैसा ही है। ये तो मामूली बात है, मेरी बीवी अक्सर दाल में नमक डालना भूल जाती है। कुछ ऐसा भूली हो तुम जो तुम्हें अभी तक याद है? एक्चुअली हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, और एक दिन पहले ही मैंने अजय को याद दिलाया था। कल वील गो आउट फॉर डिनर। कहाँ? अरे यार, कुछ तो सरप्राइज रहने दो। एल्बो के टेबल एंड कॉल। ओके। अगले दिन जब मैं घर पहुंची अपने वॉक से, तो दीदी भैया का फोन था। हाँ। आते आते लेट होएगा। ओके। आपको 8 बजे चाइना चाइना हट। हाँ जी। मैं ठीक 8 बजे वहाँ पहुंच गई थी। लाइफ इज ब्यूटीफुल विद यू। थैंक यू। लेकिन ये केक क्यों? आज कुछ खास बात है क्या? कुछ नहीं, तुम केक काटो। नहीं, बताओ ना। What? तुम बकरा बना रही हो मेरा? No, seriously, tell me. I don't know.
हमारी कल बात हुई थी। किस बारे में? आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, कल हमारी बात हुई थी, तुम भूल कैसे सकती हो? मैंने तुम्हें फोन योर फेस परफेक्ट बकरा इसका मतलब तुम उस दिन मजाक नहीं कर रही थी? व्हाई डिडंट यू टेल मी वी कुड हैव आई वाज स्केयर्ड। पिया तुम जानती हो हिंदुस्तान में 90% लोग अपनी एनिवर्सरी भूल जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो याद रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताओ आज क्या हुआ था? आज मैं मुझे घर का कुछ जरूरी सामान खरीदना था, मॉल पास में था, मैं वहां गई, सामान लिया, बाहर निकली तो बारिश हो रही थी। I wanted to rush home क्योंकि अजय के घर आने का टाइम हो गया था। मुझे अच्छा लगता है दरवाजा खोलना, जब अजय घर आता है तो I was crossing the road and suddenly पता नहीं क्या हुआ मुझे। बार गई मुझे वो रास्ता अच्छी तरह से याद है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाऊं। मैं चली जा रही थी बट आई वॉज लॉस्ट। सिस्टर प्लीज कम इन, रिलैक्स। पिया काम डाउन, पिया होता है, देखो कभी स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, कभी नींद पूरी ना होने की वजह से हो जाता है, अरे मेरे साथ होता है। अरे आजकल तो डॉक्टर ऑपरेशन के बाद पेट में घड़ी, नैपकिन, यहां तक कि मोबाइल भी भूल जाते हैं। पेशेंट को तो तब पता चलता है जब कोई कॉल करता है। लेकिन पेट में नेटवर्क कैसे मिलता है जब बाहर इतना खराब है तो?
अरे मोबाइल के साथ उसके पीछे भागने वाला कुत्ता भी तो रह जाता है पेट में, याद है ना वो एड। सिस्टर पिया को एग्जामिनेशन रूम में ले जाओ। तुम चलो, मैं आता हूं। कम भैया। कॉफी? नो सर। अजय तुम सच में नहीं जानते या जान के मानना नहीं चाहते कि पिया की ये सारे सिम्टम्स किस तरफ इशारा करते हैं? बिकॉज शी इज योर वाइफ, शायद इसलिए तुम, हो सकता है जो हम सोच रहे हैं गलत हो, बिना टेस्ट किए किसी कंक्लूजन पर आना भी गलत होगा। डेफिनेट सेरेब्रल अट्रोफी एंड वेंट्रिकुलर डायलिटेशन इज प्रोमिनेंट, कॉर्टेक्स और नर्व सेल्स भी डैमेज हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा चिंता की बात है श्रिंकेज ऑफ द हिप्पोकैम्पस, दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी अच्छी बुरी याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। पिया के टेस्ट से उसकी बीमारी का अंदाजा तो हो गया होगा तुम्हें? हाँ, पिया को अल्जाइमर्स है जय, वो बीमारी जो आदमी की याद करने की ताकत खत्म कर देती है और धीरे धीरे वो सब भूलने लगता है। छोटी मोटी चीजों से शुरू होती है ये, फिर पेशेंट कभी अपना नाम, अपना घर, अपना सब कुछ भूल जाता है। हो सकता है पिया कभी तुम्हें भी ना पहचाने, और कभी ऐसा लगेगा जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। कई दिन आएंगे कि उसे कुछ याद नहीं होगा, और एक दिन उसे सब याद होगा सिवाय इसके कि उसे अल्जाइमर्स है। लेकिन सर, शी लुक्स फाइन, शी इज जस्ट 28, इस उम्र में अल्जाइमर्स, हम दोबारा से टेस्ट करा सकते हैं। अजय, यू नो सर, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसके मैं खुद एक डॉक्टर हूं और जानता हूं इस बीमारी के बारे में। बताओ कैसे हो गया ये सब? कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो क्यों होती हैं इसका जवाब मेडिकल साइंस में भी नहीं है। अल्जाइमर्स इज वन ऑफ दोज, शायद कोई फैमिली हिस्ट्री, शायद एक्सीडेंट या किस्मत। किस्मत ही होगी, क्योंकि नॉर्मली यह बीमारी एक उम्र के बाद होती है। हजारों में दो केसेस होते हैं जब इस उम्र में, और वो दो में से एक पिया को ही होना था। अजय, तुम जानते हो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब तुम्हें ही पिया का ध्यान रखना है। बिकॉज आई एम वरिड कि प्रेगनेंसी में यह बीमारी, शी इज प्रेग्नेंट? यस, लेकिन दुख इस बात का है कि यह खुशी की बात नहीं है। इस बीमारी में प्रेगनेंसी का मतलब पिया की हालत और खराब हो जाएगी, इट माइट वर्सन हर कंडीशन फास्टर। Plus all the medication she has to go through now. वो दवाइयाँ हैं, उनके साइड इफेक्ट्स बच्चे पर भी हो सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होगी, पिया की हालत और खराब होती जाएगी। And to save Pia from deteriorating further, I have to abort the child. The problem is that I know, sir. पिया, यू नो समथिंग, मेरे बेबी के फेस पे तुम्हारा फेस इसलिए लगाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे बेबी का फेस बिल्कुल तुम्हारे फेस।
फेस की तरह हो, और वो तभी होगा जब तुम्हारा फेस हमेशा मेरे फेस टू फेस रहेगा, और तुम्हारा फेस तो हमेशा मेरे फेस टू फेस रह नहीं सकता। सो फेसिंग द फैक्ट, मैंने तुम्हारा फेस वहां लगा दिया। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तुम्हें कैसे पता? रीना ने बताया। गॉड अजय, आई एम सो हैप्पी। आई कांट बिलीव आई एम प्रेग्नेंट। आई कांट बिलीव इट। और मुझे पता है तुम्हें लड़का चाहिए ना, बट एज लॉन्ग एज वी हैव अ हेल्दी बेबी, व्हाट डज इट मैटर? और देखो, हमारी दूसरी विश भी पूरी हो रही है। अ बेबी वर्थ लिविंग फॉर, अ बेबी जस्ट लाइक यू, अंडर अ सिल्वर मून ऑन अ क्रूज डेक सेलिब्रेटिंग 25 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस। हम अपनी 25वीं सालगिरह मनाएंगे ना क्रूज पे, हम अपनी सारी विशेस पूरी करेंगे ना। God, I'm so happy. I can't believe it. It's a miracle. It's a miracle. और कहाँ जा रहा है हनीमून को? अब्रॉड, नेपाल। आइए, नमस्ते, प्लीज। पता है आजकल डिवोर्स का भी सीजन चल रहा है। नहीं, सच कह रहा हूँ, एक साल हुआ है डिवोर्स फाइल किए हुए, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है। मतलब और एक साल झेलना पड़ेगा बीवी को। वैसे रीना काफी अच्छी लड़की है, क्यों? अब हाँ, बहुत अच्छी है तेरी बीवी, बहुत अच्छी है। अच्छा, तो तू रख ले। सच कह रहा हूँ, आज का दिन भी बड़ा अच्छा है। ये कपड़े मैं पहन लेता हूँ, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, तू रीना के साथ जा, मैं इसके साथ नेपाल जाता हूँ। हाय, अरे सुन, हाउ आर यू? हमेशा दूसरे की बीवी अच्छी लगती। देखिए, अरे ये कहाँ से आ गई? अजय, यू नो समथिंग, आई लव यू। मी टू। यू नो समथिंग, यू आर ब्यूटीफुल। You're gorgeous. You're hot. You're heavy. अब एक नहीं दो हैं तो फिर हैवी तो होगा ही ना। You know something? I'll die without you. With me. Not without me. लो, पूरा प्लेटफॉर्म छानवारा, तूने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर रखी है। हाय पीएस। हाय। पता है विकी, वैसे तो ये मिलता नहीं, और जब मिलता है तो ठीक से मिलता नहीं। एग्जैक्टली। चीयर्स गाइस। तुम इनसे ठीक से मिलो, मैं अभी आती हूँ। पिया को देख के ऐसे लगता है कि उसे कुछ हुआ है। सब ठीक हो जाएगा यार, इट्स जस्ट अ बैड ड्रीम। काश ये बुरा सपना होता तो ईश्वर में कभी नहीं सोता, पर सच तो ये कि ये सच है। अब तो घर लौटता हूं तो डर लगता है कहीं मुझे भी पहचानेंगे कि नहीं। The other day, I was sleeping और बाहर आ गया, मेरी नई नई ड्रेसेस मुझे फिट नहीं आ रही। I have to lose weight right now, Ajay. भैया, ऐसी हालत में ऐसा होता है? कैसी हालत? ऐसी हालत? और ये हालत भी तुमने ही बनाई है। अब तो एक केयर गिवर भी रखी है, जो 24 घंटे उसके साथ रहती है। तेरे जैसे आदमी ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो बिगाड़ा ना? अक्सर तेरी मारता हूँ, आज कोई मेरी मार रहा है। No, come on.
के रख दे दिन विच तारे दिखा के रख दे बड़े बड़े नू घुमा के रख दे दिन विच तारे दिखा के रख दे सारी चिड़िया सारे तोते उड़ा के रख दे लाइफ च रहता फैला के रख दे मूड ते बाजे बजा के रख दे लाइफ च रहता फैला के रख दे मूड ते बाजे बजा के रख दे सारी चिड़िया सारे तोते उड़ा के रख देंदा है मियां फट्टे चक देंदा है अरे मियां फट्टे चक देंदा है हां मियां फट्टे चक देंदा है खुश कर लो रहती है नाराज ये हर मियां कंजूस है हर बीवी जासूस है खाने दे ना पीने दे ना जिए ना जीने दे कंगी शीशा ये छुड़ा के रख दे जुल्फ जटावा बना के रख दे But why don't you talk to Dr. Khurana? He's a good doctor. Nahi sir, main ye case handle nahi kar paunga. Mr. Tata, you need to understand. Mera ek apna personal problem hai. Richa! Coming, ma'am! Richa! Come back here! I'll call you back. Kya hua, Pia? Richa! Kya hua? Achha, pata nahi, mangalsutra nahi mil raha mera. Pia.
आज यू विल हैव टू साइन द पेपर्स. व्हाई? हमें ऑपरेट करना पड़ेगा. शी इज जस्ट नॉट पुशिंग द बेबी डाउन. उसे अटैक है. शी इज जस्ट नॉट रिएक्टिंग. किसी को नहीं पहचान रही. सब भूल गई. शी इज जस्ट नॉट कोऑपरेटिंग. शी इज स्क्रीमिंग. अजय प्लीज डोंट थिंक. जस्ट साइन द पेपर्स. Congratulations, guys. Look who's here. Oh, so cute. My God, it's a boy. Congratulations. लड़का हुआ है. Vicky, ये मेरी उंगली है जैसे तुमने पकड़ रखा है. तुझे उंगली और उसमें फर्क पता नहीं चला? यार मुझे लगा कि लेकिन मुझे पता है कि लड़का है. इतना कॉन्फिडेंस खुद पर? खुद पर नहीं, पिया पर. पिया का दिमाग भले ही भूल जाए लेकिन उसका दिल जानता है कि मुझे लड़का चाहिए. हाय बेबी, हाउ शी? कुछ ही देर में होश आ जाएगा. इसे पहचाने की या नहीं? हाय बेबी. पिया कैसी है अब? एंड हाउ इज शी रिएक्टिंग टू द न्यू न्यूरोडायलेटर्स? अभी ठीक है सर, अभी ठीक नहीं है. अजय यार क्या फालतू पंडित है यार. एफ से नाम निकाला है लड्डू का. आई मीन ये नामों का लिस्ट है. एफ से बड़े कम चॉइसेस है यार. फकीर चंद, फागुनलाल, फुरसत चंद, फुद्दू, सब फनी से नाम है यार. आउटडेटेड. मेरे दिमाग में एक 38th सेंचुरी का नाम आया है, FU-ER. अरे नहीं, सुनने में ऑकवर्ड लगता है पर 20 साल बाद बड़ा पॉपुलर सा नाम होगा और उससे अपने बाप पर फकर होगा. अरे हमें बच्चे का भविष्य देखना चाहिए कि नहीं अंकल? जी मुझे लगता है अंकल आपको भी अपने बच्चों का नाम एफ से ही रखना चाहिए. अरे क्या कर रहा है यार, मेरी सीनियर है. अरे तो क्या हुआ यार. निखिल तू ही बता यार, ये नाम FU-ER कैसा है? रख दे? कुछ भी रख यार, लेकिन निखिल मत रख क्योंकि साला तीन अल्फाबेट गायब हो जाते हैं ना तो निखिल नील हो जाता है. तूने ज्यादा पी ली. पी ली नहीं, नीली है वो. मेरी एक्स वाई जेड वाइफ. लाइफ भी क्या अजीब है यार. आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, है ना? उनमें से कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं. मुझे भी मिल गया था कोई. यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था. सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, यूं ही कोई. परछाइयों ने तेरी कभी हमको राह दिखाई, परछाइयों ने तेरी कभी हमको राह दिखाई. परछाइयां खो गई क्यों, यूं शाम ढलते ढलते, यूं ही कोई मिल गया था. सरे राह चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था.
राहों के रास्ते में कोई ऐसा मुकाम आए, खुशियों की मार्केट में अगर गम की दुकान आए, मेरा साथ ना छोड़ देना, मेरा साथ ना छोड़ देना, यूं ही साथ चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। जिंदगी में हमारी अगर तूफान आए या रिश्तों को हमारे कभी जुकाम आए, रास्ते ढूंढ लेंगे। यूं ही साथ चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते यूं ही कोई दिल लब में लुच्चा बना, गलियों की खाक छानता है, जवेरी बाजार का हर ज्वेलर अब मुझे पहचानता है। वाह वाह, वही दुकान खोल लूंगा, ये जवानी ढलते ढलते। Shut up, Vicky. Where do you get these ideas? भलते भलते। Oh, क्या बात है? अरे यार, ये तो गजल बन गई, चलते चलते। Everybody! यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया पिया। पिया। क्या हुआ पिया? I'm not well, Ajay. I'm not well. मुझे नहीं लगता मैं इस बच्चे को संभाल सकूंगी. Let's abort this child. Let's abort this child. Let's abort this child. अजय आ गया। पिया कैसी है? She's sleeping. Drinks? अजय, I think पिया को कुछ दिनों के लिए मेरे हॉस्पिटल में भेज दो। यहाँ ऐसे उसकी आपका हॉस्पिटल मतलब मेंटल हॉस्पिटल? साइकेट्रिक फैसिलिटी वार्ड। वहां उसकी तबीयत में सुधार होगा। आपकी तबीयत में तो सुधार दिखता नहीं। विकी, सॉरी सर, पिया को लेके सब लोग इमोशनल हैं। मैं भी हूं अजय, इसीलिए मैं चाहता हूं वो हॉस्पिटल में रहे। नहीं सर, कुछ भी हो जाए मैं पिया को अपने से अलग नहीं करूंगा। Call me if you need my help. See you, Dr. Ajay. Okay, thank you. Okay, thanks. See you later. Bye-bye. Ranjana. Yes, sir? कल 12 बजे से पहले कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं रखना। Sure, sir. Bye. Bye, sir.
तू यहाँ बैठा है? हाँ, मुझे लगा तू बिजी होगा इसलिए। तेरे लिए क्या बिजी, बस आई वॉज लीविंग। व्हाट्स अप? नथिंग स्पेशल, बस मन किया इसलिए चला तुझसे मिलने। मूड ठीक नहीं है? मन ठीक नहीं है। चल एक दो ड्रिंक लगाते हैं। मूड तो मेरा भी बहुत है, पर I have to go home. तुझे तो पता है पिया की हालत। तो तेरे घर चलते हैं ना, उसमें क्या है? It's been 3 months यार अमन से मिले हुए, दूसरी बार पिया से मिल लूंगा। एंड सेकेंडली, ड्रिंक पीने के बाद एक दूसरे की माँ बहन एक करनी है, तो तेरे घर करते हैं। आई थिंक रीना आने वाली थी। आई मीन तुझे ऑकवर्ड लगेगा, आई डोंट नो तू मिलना चाहेगा कि नहीं। Even I also don't know. शायद हाँ। चल। हेलो मिसेस जोशी। हाय। रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए आई थी, कल उन्हें केयर फैसिलिटी में शिफ्ट कर रहे हैं। ओके। थैंक यू। थैंक्स। अरे बड़े जल्दी आ जाते हो आजकल क्लिनिक से, कोई पेशेंट पेशेंट नहीं है क्या? अरे तुम्हारे लिए थोड़ी आता हूँ, इस गधे के लिए आता हूँ। हाय बेबी, हाय बेबी। यू मेट निकल? हाय प्लीज। नहीं, तुमने मिलवाया नहीं? Of course I know him. अभी मैं रीना से तुम्हारी बात कर रही थी। कम, कम, कम। Hey Reena, look who's here. Say hi. Hi Reena, you're looking good. Thank you. Hi Nikhil. Hi Reena. कैसे हो? Okay. तुम? Good. Coffee कौन-कौन पिएगा? कोई नहीं पिएगा। Hi guys. कॉफी पियेंगे तो ये बॉटल कौन खत्म करेगा? ये ले। थैंक यू। और सुना कैसा है? फिट एंड फैट यार। तू बता, बीवी के बिना कैसे मैनेज करता है तू? भाई रखिए यार, उसी से सब काम करवाता। भाई से सब काम करवाता है तू? इतने बुरे दिन आ गए तेरे। कभी नहीं सुधरेगा साला। अच्छा तू बता, ऐसी लड़की का नाम क्या हो सकता है जो अपने बाप को धक्का देती है? पुष्पा, पुष्पा। लड्डू, लड्डू। स्नैक्स फॉर यू। थैंक्स। माँ आई हुई है? पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। वेलकम एक तो दिन में। क्या कर रही है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? बस विक्की, तुम और नहीं पियोगे। What happened नताशा? ये विक्की यू नो कुछ ज्यादा ही पीने लगा है। कितनी बार मुझे प्रॉमिस किया है, कितनी बार मेरी कसम खाई है। सॉरी बेबी, भूल जाता हूँ। कहीं तुम्हें अल्जाइमर्स तो नहीं है? नो सीरियसली, यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड, यू नो इट्स अ वेरी सीरियस डिजीज। इसमें इंसान सब कुछ भूलने लगता है। एंड जोक्स अपार्ट, इट्स वेरी पेनफुल। मैंने अभी अभी आर्टिकल पढ़ा उस पर, तुम्हारे डेस्क पे पड़ा हुआ था। इसमें इंसान अपना नाम, अपना पता, यहां तक कि अपनी पूरी फैमिली को भी भूल जाता है। लेकिन जिसके साथ ये होता है, उसकी फैमिली पर क्या गुजरती होगी? मुझे तो ये सोचकर ही डर लगता है, कहीं तुम्हें अल्जाइमर्स हो गया और तुम ये भूल गए कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं तो चाहता हूं इस नताशा को हो जाए, कम से कम मेरी ड्रिंक्स और अफेयर्स तो याद नहीं रहेंगे इसको। और रीना को हो जाता ना, तो निखिल और इसका पंगा ही खत्म हो जाता।
रिलैक्स, ही इज फाइन। अब तो बता क्या हुआ। Hush little baby, don't you cry. Mama's gonna be right by your side. लेकिन वो यहाँ पर मत जी, वो मेरा कजिन कजिन आया था तो दो मिनट के लिए उससे मिलने कहा था ना। मैम साहब को अकेला नहीं छोड़ना। मुझे पता था कि ग्रेजुअली इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट। मैं भी जानता था सर। अजय, जानना और खुद एक्सपीरियंस करना दो अलग बातें हैं। एज ए डॉक्टर हमें हर रोग, हर दर्द के बारे में पता है। उसका एहसास तभी होता है जब वो हमें या हमारे किसी अपने को होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I don't know what to do. जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था, उसे मेरी केयर फैसिलिटी में भेज दो जाए, जहां उसकी देखभाल ठीक से होगी। But how can I, sir? आज उसे मेरी जरूरत है। उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। But sir, उसे बेहतर देखभाल की जरूरत है। उसे मेरी केयर फैसिलिटी में भेजकर तुम उसकी मदद ही करोगे। Don't you realize? यहां से वापसी नहीं है। जिंदगी उसके लिए कितनी मुश्किल है तुम भी जानते हो।
बिस्तर से उठने से लेकर बिस्तर तक जाने में एट एवरी स्टेप शी वुड नीड हेल्प। आज बच्चे की जान थी, कल वो अपनी जान को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हाय, कैसी लग रही हूं मैं? नाइस, सी आई गॉट न्यू हेयर स्टाइल। मैंने सोच लिया मैं आज से अपना ख्याल रखने वाली हूं। अमन के बाद मैं बहुत केयरलेस हो गई हूं ना, कल से मैं जिम ज्वाइन कर रही हूं। आई वांट टू लर्न दिस साल्सा अगेन, आई वांट टू डू सो मेनी थिंग्स। कैसा लगा मेरा हेयर स्टाइल? अच्छा है ना? यू लुकिंग गुड, हमेशा की तरह। बस यू गॉर्जियस, हमेशा की तरह। और यू हॉट, हमेशा की तरह। एंड यू हैवी, हमेशा की तरह। जब तुम ऐसे बोलते हो ना तो मुझे कुछ होता है। टेल मी यू लव मी। आई लव यू। Say it again. I love you. Say it again. क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ ना। कहा ना कुछ नहीं। बोलो तो। कह रहा हूं कुछ नहीं। भला चले ये जिया, बड़े
डॉक्टर। हाय पिया। हाय अजय। हेलो सर। हेलो मिसेस मेहरा। पिया, पिया ये सुधा है। शी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो सुधा से कह देना। शी इज वेरी स्वीट। या ठीक है, चलो चले। सारा सामान लगा दिया, ये दवाइयां, ये नो सुधा तुम्हारा ध्यान रखेगी, ये नो डॉक्टर खुराना, डॉक्टर मैं चलूं? चलता हूं। मैं आता जाता रहूंगा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो। मैंने सुधा को बोल दिया तुम्हें प्यास बहुत लगती है, कमरे में नाइट लैंप भी लगा दिया है, वो पिया को अंधेरे से डर लगता है ना। मैं चलूं? चलता हूं। Something. एक बार एक इंसान के हाथ में मामूली सा जख्म हो गया, धीरे धीरे उस इंसान का जख्म बढ़ने लगा और उस इंसान का दर्द भी। दर्द जब तक उस इंसान के एक हाथ में था उस इंसान का कोई दर्द नहीं था, लेकिन धीरे धीरे दर्द उस इंसान के दूसरे हाथ में फैलने लगा, तो उस इंसान ने अपना एक हाथ बचाने के लिए अपना दूसरा हाथ अपने आप से अलग कर दिया जिसमें दर्द था। उस इंसान के उस हाथ को पता भी नहीं चला, लेकिन दर्द उस इंसान को हुआ जो उस इंसान के साथ सारी जिंदगी रहेगा। वो इंसान भी इंसान ही था भैया, मैं भी तो इंसान ही हूं। You know what I'm trying to... भी भूल जाना, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि I love you always। अमन घर पे अकेला होगा, मैं चलता हूं। बाय।
मेरे रंग में घुल जाओ। अपने रंग वाए बिन मेरे रंग में घुल जाओ। अपनी धूप बुझाए बिन मेरी छांव में आ जाओ। चलो यूं करें तुम भी रहो, मैं भी रहूं, हम भी रहें। तीनों मिलके साथ चले साथ ही जन्म जन्म। अपने केयर फैसिलिटी भेज दीजिए, बाउंड की देखभाल बेटर होगी। डॉक्टर साहब ऐसे कैसे भेज, हमारे पिताजी हैं, हम इनकी देखभाल घर पर कर सकते हैं, चाहिए तो नर्स रख लेंगे। एक दिन तो वो लम्हा भी आना है, दोनों में से एक ने चले जाना है। हो एक दिन तो लम्हा भी आना है, दोनों में से एक ने चले जाना है। बातें सभी साथ में ऐसे जीना सीख ले, ताकि जो पीछे रहे उसको ना हो मुश्किल। आज अमन का बर्थडे, विश नहीं करोगी? आपका नाम क्या है? पिया। ये अमन है, आज इसका बर्थडे है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जैसे साया साथ चले साथ अजय, 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 मिसेस मेहरा क्या हुआ? मिसेस मेहरा कौन है आप? मैं सुधा। आप पहले शांत हो जाइए। अजय कहाँ है? हम उन्हें बुला देंगे। मैं कहाँ हूँ? बैठिए, आप शांत हो जाइए। अजय, अजय, यू कैन लव मी, तुमने प्रॉमिस
ये सुन, जज ने आदमी से पूछा तुम अपनी बीवी को डिवोर्स क्यों देना चाहते हो, तो आदमी बोला आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई वाइफ। तो जज ने औरत से पूछा क्या ये सच है, तो बोली जज साहब सारा मोहल्ला सेटिस्फाइड है, बस ऐसी के ना करें। वो फिल्म याद है निखिल, क्या नाम था, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक दूजे के लिए, साथ में देखी थी स्कूल से भागकर। हम बने तुम बने एक दूजे के, वो फिल्म मैंने 11 बार देखी। क्यों, एक बार देख के समझ में नहीं आई थी? एक्चुअली मेरे घर के सामने एक लड़की रहती थी, मैं फिल्म देख कर आता फिर बालकनी में खड़ा होकर उसे देखता और गाता हम बने तुम बने एक दूजे के, उसके चक्कर में 11 बार देखी। जब 11 बार देख कर आया तो देखा माँ रो रही थी, पता चला मेरा बाप मेरी माँ को छोड़कर चला गया किसी और के साथ, उसने भी देखी होगी एक दूजे के लिए। लेकिन उसके बाद मैंने वो पिक्चर फिर से नहीं देखी, सोच लिया कि ये हम बने तुम बने सब बकवास है। लेकिन वक्त के साथ ये भी भूल गया, फिर पिया मिली और फिर शुरू हो गया हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। You know something? इससे फेक गाना हो ही नहीं सकता, दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं जीता, सब अपने लिए जीते हैं। उसके कन्वीनियंस के लिए मैंने उसे हॉस्पिटल में नहीं छोड़ा, बल्कि अपने कन्वीनियंस के लिए छोड़ा। वो रहती तो बहुत मुश्किल हो गया था, उसकी देखभाल उसकी दवाइयां, उसको देखता या खुद को छोड़ दिया, क्योंकि मैं उससे ज्यादा अपने आप से प्यार करता हूं। यू नो, भगवान ने इंसान को बनाया ही ऐसा है, आप सामने वाले से कितना भी प्यार करें लेकिन हमेशा अपने आप से थोड़ा ज्यादा प्यार करेंगे। इट्स अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। हमारी साइकेट्री बुक में लिखा है ना कि माँ और बच्चा जब डूब रहे होते हैं तो माँ बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ऐसा वक्त भी आता है जब माँ की सांस फूल रही होती है तो वो बच्चे के सर पे हाथ रख के ऊपर आने की कोशिश करती है। ये सब वो जानबूझ के नहीं करती है, इट्स ह्यूमन नेचर, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ हर, हमेशा उसकी देखभाल करूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपना बच्चा उस औरत के साथ कैसे छोड़ दूं, मेरा बच्चा उस औरत के साथ सेफ नहीं है। देखा, वो मेरा बच्चा हो गया और उसकी माँ वो औरत, इट्स ऑल क्रैप, लव इज ऑल क्रैप, यू गाइस आर राइट, स्टे सेपरेटेड। यू नो, इट्स नॉट अबाउट यू मी और हम, इट्स नेवर अबाउट यू मी और हम, इट्स ओनली अबाउट मी, ओनली मी। क्या यार, मूड खराब कर दिया। एक जोक सुनाता हूं। एक बार एक छोटा बच्चा था, यार मेरा बच्चा घर पे अकेला होगा, चलता।
कहाँ बैठे हैं? जॉब तो पूरा करके जाता। नहीं यार, आवाज ही नहीं आती किसी भी जॉब पे। याद है जय, तूने कहानी सुनाई थी। एक बार एक गांव में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, सब जगह सूखा था, जमीन सूखी थी, आंखें भी। हार कर गांव वालों ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके सारे गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो गए, इसी उम्मीद के सहारे कि बारिश हो जाए। सब खाली हाथ आए थे वहां, सिर्फ एक बच्चा छाता लेके आया था, क्योंकि उसी को विश्वास था कि बारिश जरूर होगी। अजय, उस कहानी में जो बच्चा था ना, वो तू है। अजय, तू ही तो हमेशा कहता था कि गाइस कम ऑन, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। सो वेयर्स योर फेथ अजय? बुक्स क्या कहते हैं, डॉक्टरी क्या कहती है, सब क्या तेल लेने, इंपॉर्टेंट है कि तेरा दिल क्या कहता है। जाओ जाके पिया को ले आओ अजय, इसलिए नहीं कि शी नीड्स यू, बल्कि इसलिए बिकॉज यू नीड हर। और तुमने तो कहा था ना, इट्स ऑल अबाउट मी। अजय, यू हैव टू ब्रिंग हर बैक। अब जाएगा या कुत्ता छोड़ूं पीछे, चल जा। गो गेट हर, गेट हर, गेट हर। घर चले निकल। विकी, लेट्स गेट मैरिड। नटी, आज मैं रिंग भी नहीं लाया और आज ज्वेलर भी। नो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अजय, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? नहीं। तुम जानते हो इसका रिजल्ट क्या होगा? इससे बेटर होगा। तुम समझते क्यों नहीं? तुम खुद एक डॉक्टर हो, पिया को यहां से ले जाकर तुम उसका डॉक्टर। आप जानते हैं कि बीवी को खुश रखना है तो क्या करना चाहिए? हमेशा दो रूल्स याद रखिए। पहला, बीवी से किया हर वादा पूरा करो, और दूसरा, बीवी से कभी कोई वादा मत करो। मैं दूसरा रूल भूल गया था। मैंने उसे वादा किया था कि उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे कहा था कि हमेशा उसकी देखभाल करूंगा। मैंने उसे वादा किया था कि अपनी 25वीं सालगिरह हम क्रूज पे मनाएंगे। अब पूरा तो करना पड़ेगा, है ना? उसे यहां से मत ले जाओ। वो अगर यहां से चली गई तो वो बचेगी नहीं। आप गारंटी देते कि वो यहां रहेगी तो बच जाएगी? कोई डॉक्टर इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन एक पति गारंटी दे सकता है। मैं अपनी 25वीं सालगिरह अपनी पत्नी के साथ क्रूज पर मनाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। और आपको जरूर इन्वाइट करूंगा अगर आप जिंदा रहे तो। चलते। कौन हो तुम? पिया, अजय, घर चलते हैं। पिया, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा हस्बैंड। घर चलते हैं, तुम्हारा बच्चा इंतजार कर रहा है। अमन, अमन इंतजार कर रहा है। बच्चा? हमारा बच्चा, तुम्हारा बच्चा, उसे तुम्हारी जरूरत है। पिया, मुझे तुम्हारी जरूरत। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। पिया, I don't know you. गलती हुई जो मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। I'm sorry. आइंदा कभी ऐसा। Don't touch me. Baby, I'm sorry. I promise. आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। छोड़ मुझे, हाथ मत लगा मुझे। कौन है ये? कितनी विशेस है लाइफ की जो पूरी करनी है। याद है हमारी वो विश लिस्ट? मुझे कोई विशेस नहीं मालूम। मैंने कोई वॉल पे कोई विशेस नहीं लिखी है। I don't know him. I don't know you. Calm down. Get away from me. Stay away. चलो यहाँ से। It's not the right time. चलो। Yeah, please, एक बार मेरी। I don't know you. अजय। Miss
मकसद मेहरा, तुम क्यों नहीं समझते? चलो यहाँ से। अजय उसकी हालत और खराब हो जाएगी, चलो यहाँ से प्लीज। अजय, वन मिनट डॉक्टर। अजय, नॉट अगेन प्लीज अजय, प्लीज। यू डोंट नो मी, तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें याद नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम भूल गई कि हमने विश लिस्ट लिखी थी, लेकिन तुम्हें यह याद है कि वो विश लिस्ट हमने वॉल पर लिखी थी। आज तुम्हें सब याद है, लेकिन तुम भूलने का नाटक करके यह एहसास दिलाना चाहती हो कि मैंने गलती की जो तुम्हें याद छोड़ दिया। यू वांट टू सैक्रिफाइस, खुद महान बनकर मुझे छोटा दिखाना चाहती हो। भूला मैं नहीं, भूला मैं नहीं। रोज आया, रोज तुम्हें आई लव यू बोला, रोज इंतजार किया कि आज शायद आज तुम बोलोगी, लेकिन तुम बोली। अरे गलती हुई यार, गलती हुई जो तुम्हें यहां छोड़ दिया, गलती हुई जो तुम्हारे लाख गिड़गिड़ाने पर भी तुम्हें साथ दे लेगी, लेकिन मेरी हर गलती को माफ किया तुमने, इस बार भी कर दो। I'm sorry, damn it! And they lived happily ever after. You know something? प्यार के हर पल खूबसूरत होते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत वो पल होता है जब आप लड़की को पटाते हैं। और अजय इतना लकी था कि वो पल उसकी जिंदगी में रोज आता था। पता नहीं, शायद उसने सीख लिया था या सच में दोनों सोलमेट्स थे, वो हर रोज उसे पटा लेता था। और फिर उसकी जिंदगी में कुछ बोनस डेज भी होते थे जब पिया उसे पहचानती थी। यू नो समथिंग, आज उनकी 25वीं सालगिरह है। तो क्या उसे वो क्रूज पे लेके गया? क्या अजय ने अपना वादा पूरा किया? वो यहीं है, इसी क्रूज पर। आप मिलना चाहेंगी उन्हें? Are you sure? क्या आप आना चाहेंगी एक अजनबी के साथ? कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं जब मैं उस अजनबी को पहचान लेती हूँ, लेकिन तुम नहीं पहचान पाए कि आज तुम्हारा बोनस डे है। तुमने आज फिर मुझे बकरा बनाया। ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं थी, भगवान ने तुम्हें पहले से बकरा बनाया हुआ है। Yeah.
Happy anniversary. Love you, mom. I got a feeling incomplete in my heart. Don't wanna go it alone, 'cause we can never be apart. We can never be apart.